हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2022 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2022 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट यूजी 2022 का जो एग्ज़ाम है 17 जुलाई को बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और सोशल मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन होगा, लेकिन गाइस पोस्टपोन होने के बहुत ही कम चांसेस है। और 17 जुलाई जो है फिक्स डेट है, उसी दिन एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नीट यूजी 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, और नीट यूजी 2021 की कितनी गई है, और क्या इनके बीच जो कंपैरिजन होगा वो कितना होने वाला है, ये पूरा आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइज ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक ज़रूर रहिएगा। साथ में फ्रेंड्स, यदि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है अमेजिंग ऑफ़र। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली एंड ओनली ₹299 में। और गाइज रेफरल कोड PRIYA18 कोड यूज़ करेंगे तो उस पर भी आपको 20% का ऑफ पड़ जाएगा। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये 239 में आपका पड़ जाएगा। तो गाइज नीट यूजी की जो जनरी है स्टार्ट हो चुकी है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो ओनली वैलिड रहेगा 23 अप्रैल से 30 अप्रैल। मतलब आज लास्ट डेट है और आज के दिन आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, उसके बाद प्राइजेस जो है बढ़ जाएंगे। और गाइज ये इतना अच्छा जो मौका आया है, इतना अच्छा चांस जो अनअकैडमी के थ्रू दिया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इतने कम रुपए में 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो फटाफट से ले लीजिएगा अगर नीट यूजी का एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी विद टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, जितने भी डाउट्स होंगे 24/7 डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी, और CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू गाइस आपको क्लासेस मिलने वाली है। इंटरएक्टिव लाइव क्लासेस रहेगी, लाइव टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपके क्विजेस कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो आपका सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के पास। रेफरल कोड PRIYA18 आपको कोड यूज करना है, ताकि 299 पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाए और 239 में आपका ये कोर्स पड़ जाए। तो गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहां से डायरेक्टली आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। PRIYA18 कोड यूज करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अन अकेडमी जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर नीट का एग्जाम आपको क्रैक करना है। तो अब गाइज हम बात करते हैं नीट यूजी 2022 के कट ऑफ की। तो नीट यूजी 2021 की जो काउंसलिंग है वो अब तक आपकी चली है, अप्रैल तक चली है, अब जाकर आपका फाइनल हो पाया है, ठीक है। और 5 राउंड कंडक्ट करवाए गए हैं नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग में, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, चाहे स्टेट कोटा की में। क्योंकि पहले बोला गया था कि ओनली 4 ही राउंड कंडक्ट होंगे, लेकिन गाइज 4 ना होकर 5 राउंड कंडक्ट करवाए गए। और नीट यूजी 2021 के जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टूडेंट्स के रहे हैं, उन स्टूडेंट्स का भी एडमिशन हुआ है, उनको भी MBBS BDS कोर्सेज मिले हैं, ठीक है। वैसे जो नीट यूजी का एग्जाम है MBBS BDS BAMS BUMS BSMS BHMS और BSc नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। तो नीट यूजी 2021 की जो कट ऑफ है गाइज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होता है कि जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो आपको लाने होते हैं, आफ्टर दैट जो है आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो नीट यूजी 2022 की कट ऑफ क्या जाने वाली है, कितनी जा सकती है, और नीट यूजी 2021 की कितनी गई है ऑफिशियली, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं नीट यूजी 2021 की ऑफिशियली जो कट ऑफ गई है वो, उसके बाद 2022 का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है वो कितने होंगे, तो देखिए।
तो गाइस सबसे पहले मैंने उठाया है एक्चुअल डेटा नीट 2021 का कैटेगरी वाइज। तो यहाँ अगर हम कैटेगरीज की बात करें, यहाँ कैटेगरी मेंशन है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या रखा गया था, मार्क्स रेंज जो स्टूडेंट्स की रही है वो क्या रही है, ठीक है, मिनिमम कितने रहे हैं, मैक्सिमम कितने रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है जिनने क्वालिफाई किया है वो कितनों ने क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए तो मार्क्स रेंज है 138 to 720 और नंबर ऑफ कैंडिडेट रहे हैं 770,857। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल जो मांगा गया था 40% मांगा गया था 108 to 137 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं और 66,978 टोटल स्टूडेंट क्वालिफाइंग रहे हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की गाइज अगर हम बात करें तो 108 to 137 जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं और टोटल जो स्टूडेंट्स रहे हैं 22,384 स्टूडेंट्स रहे हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर गाइज 108 to 137 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए थे और 9,312 जो है स्टूडेंट्स रहे हैं। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो था 45% था 122 to 137 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं जो कि एनटी के थ्रू ही डिसाइड किया गया था और 313 जो है स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो 108 to 121 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं और टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो रहे हैं वो रहे हैं 157। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की तो 40% मांगा गया था और 108 to 121 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे हैं और गाइज टोटल जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो 69 स्टूडेंट्स रहे हैं ओनली। ये तो था 2021 का ऑफिशियल डेटा। अब मैं बात करती हूँ 2022 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी मानी जा रही है। तो देखिए तो गाइज ये मैंने ओपन किया है नीट 2022 का जो मार्क्स रेंज है वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने चाहिए कि आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। एडमिशन के बाद की बातें हैं, पहले मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी आपका एडमिशन पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 50% है, ठीक है, और नीट 2022 का मार्क्स रेंज जो माना गया है जो एक्सपेक्टेड है वो 138 to 720 एक्सपेक्ट किया गया है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% माना गया है और जो मार्क्स रेंज है मिनिमम वो 108 to 137 ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात की जाए तो 45% जो है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है और मिनिमम मार्क्स रेंज जो मानी गई है वो 122 to 137 मिनिमम मार्क्स रेंज मानी गई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ओबीसी पीडब्ल्यूडी की तो 40% माना गया है और गाइस मिनिमम जो मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स जो स्टूडेंट को चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए 108 to 121 जो है वो एक्सपेक्ट किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और मिनिमम जो मार्क्स रेंज माना गया है वो 108 to 121 मानी गई है 2022 के लिए, ठीक है। उसके बाद एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात की जाए तो 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है और मिनिमम मार्क्स है माने गए हैं 108 to 121। ये 2022 का गाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मिनिमम मार्क्स जो है वो माने गए हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक गोल आप लोगों को सेट कर लेना चाहिए नीट यूजी 2022 के लिए कि मिनिमम इतने मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए। और गाइस जिन भी स्टूडेंट्स का जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि कम मार्क्स पर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा और कम फीस पे। अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और आपके पास पैसे हैं
तो कम मार्क्स में भी आपका जो है एडमिशन हो जाएगा, MBBS कोर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो डोनेशन बेस पर मैनेजमेंट कोटा की जो सीटें होती है वो स्टूडेंट्स को मिल जाती है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है गाइस, उनको कम्पीट करना पड़ेगा और उनको अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि 2021 की कंडीशन आप देख चुके हैं कि कंडीशन क्या रही है, ठीक है। तो उसी बेसिस पर 2022 की रहने वाली है, क्योंकि अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ओनली एक स्टूडेंट ऐसा आया था जिसके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद गाइस 2021 के अंदर तीन स्टूडेंट ऐसे मिले जिनके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स बने। अब 2022 के अंदर और भी जो है हायर होने वाला है, ये जो डेटा रेंज है स्टूडेंट्स की, ये 3 से बढ़कर अब 5 होने वाली है। तो गाइस जितने बढ़ते जाएंगे मार्क्स का जो कट ऑफ है वो भी उतना ही जाने वाला है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो गाइस फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।